नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे, क्योंकि अचानक से काफी हलचल हुई है और उसी बीच सर्वे के आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्वे के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे, क्योंकि काफी हलचल हुई है और उसी बीच अब सर्वे के आंकड़े भी बदलते नजर आए हैं। तो सट्टा बाजार के क्या रुझान सामने आ रहे हैं, इसके अलावा और बड़ी एजेंसियों ने भी अपने आंकड़ों में परिवर्तन किया है, तो उसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है और अंत में जो जनता का फैसला है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, जबकि कई बड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं और महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ विपक्ष चुनावी मैदान में है। तो क्या सोचता है जनता और 2024 में कौन जीतेगा, इसको लेकर बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। लेकिन किसान अन्न या पर महिला वोटर्स इसके साथ जाएंगे, इसको लेकर भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी हो चुके हैं और चुनावी मैदान में अब बड़े बड़े दिग्गज नेता जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जनता का जो रिस्पॉन्स है वो किसके साथ जाएगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो केजरीवाल यहाँ पर जो है गिरफ्तारी के बाद कितनी हलचल हुई है, क्योंकि काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, कई बड़े दिग्गज नेता दल बदल भी देखने को मिला है, उसके बाद हलचल हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी चुनावी मैदान में विपक्ष रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए 20 सीटें केरल से आती हैं और यहाँ ओपिनियन पोल के हिसाब से सट्टा बाजार का जो अनुमान है, केरल की 20 सीटों में से कांग्रेस को 16 सीटें जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, एलडीएफ को यहाँ पर 4 लोकसभा सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी जो केरल में एलडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन है उसको सभी सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 से 5 लोकसभा सीट का अनुमान सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 24 सीट का अनुमान हो सकता है जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे लोक पोल ने जारी किया है उसमें कर्नाटक के लिए अगर बात की जाए तो 12 से 15 सीट तक कांग्रेस का आंकड़ा दिखाई दे रहा है और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 10 से 12 सीट पर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के तर्ज पर वो आंकड़े हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर क्या बाजी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी मारेगी, ये तो कर्नाटक की जनता तय करने जा रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर सभी 26 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर 0 से 5 लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जहाँ कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकता है। लेटेस्ट सर्वे लोक पोल ने भी जारी किया है कि गुजरात की 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में भी वो सीटें जा सकती है जो अनुमान सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 11 लोकसभा सीटें आती हैं, कांग्रेस को 1 से 2 लोकसभा सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आज से 10 सीट पर आ सकती है, जिस कार की हलचल देखने को मिली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना ली है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जरूर मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस कई सीटें ऐसी हैं जहाँ सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो सट्टा बाजार ने भी अनुमान लगाया है। चंडीगढ़ की 1 सीट की अगर बात की जाए तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मांग की जा रही है, जिस कारण की चंडीगढ़ में चुनाव में भी कई हलचल देखने को मिली थी, उसके बाद माना जा रहा है कि चंडीगढ़ की सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का 15 2 से 5 सीट तक भारी नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 सीट पर यहाँ पर अभी नजर आ रही है। आसू पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है, JMM को भी 102 लोकसभा सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि झारखंड में भी काफी हलचल देखने को मिली है। हेमंत सोरेन यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद जेल में है, तो उसके बाद नई सरकार का गठन भी हुआ है, चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो झारखंड में कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है, उसके बाद जनता का मन किसके साथ जाएगा ये जनता तय करने जा रही है। जम्मू और कश्मीर की 5 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी हलचल देखने को मिली है। धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव में कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है, तो लोकसभा की 5 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ कांग्रेस अपने दम पर अगर लड़ती है तो 0 सीट जा सकती है, अगर गठबंधन में लड़ती है तो फिर 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकते हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है, जिस कार की हलचल सट्टा बाजार ने लगाई है और जो आंकड़े यहाँ पर चुनावी विश्लेषण के अनुसार सामने आ रहे हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, करीब 10 लोकसभा सीट पर कांग्रेस तो 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, BRS को 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पर AIMN यानी अजहरुद्दीन ओवैसी जो पार्टी है उसके पक्ष में 1 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
जबकि तमिलनाडु की 39 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन के लिए अगर बात की जाए तो डीएमके के साथ कांग्रेस गठबंधन है, तो करीब 9 सीटें कांग्रेस के लिए और 18 सीटें डीएमके के पक्ष में जा सकती हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए अन्य यूपीए के लिए, यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है। 2 सीटें यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा रही, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था एआईडीएमके के पक्ष में, उसके खाते में जा सकती है। यानी कांग्रेस का पलड़ा तमिलनाडु में भारी नजर आ रहा है, जो इंडिया गठबंधन बना है उस लिहाज से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन जिस कारण से दिल्ली में भी हलचल देखने को मिली है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की जनता का मन किसके साथ जाएगा, क्या केजरीवाल के लिए रिस्पांस मिल सकता है, क्या सहानुभूति वोट उनके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि हलचल भी देखने को मिली है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों का बदलाव भी किया है, उससे भी साफ संकेत मिल रही कहीं ना कहीं यहाँ कुछ बड़ा जरूर होगा लोकसभा चुनाव दौरान, क्योंकि आने वाले वक्त में यह विधानसभा चुनाव भी है तो उसकी तैयारी भी की जा रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस कार से यहाँ पर कन्हैया कुमार, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, यहाँ पर मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर दिल्ली में 3 या 4 सीटों पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दादर नगर की 1 सीट पर सीधे तौर पर शिवसेना का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और दमनदीप की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। नागालैंड की 1 सीट पर अगर बात की जाए तो एनडीपीपी पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है, जबकि पंजाब के 13 लोकसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को करीब 5 सीटें मिल सकती हैं। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकते हैं, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और अकाली दल के खाते में 1 सीट जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 सीट पर भारी नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 0 भी हो सकती है, जिस कारण से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अंदरूनी जो गठबंधन है उस लिहाज से यहाँ पर 10 से 12 सीट पर जो गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो अनुमान पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है। पौंडीचेरी की 1 सीट पर भी सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच ही कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, इसका फायदा सीधे तौर पर टीएमसी और मैं यहाँ पर बात की जाए तो नुकसान होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा मिल रहा है। 18 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें प्लस कर सकती है, जो अनुमान यहाँ पर पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होंगे तो पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में देखने को मिल सकती है। मिजोरम की 1 सीट पर जेडपीएम पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जिसने हाल ही में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है। जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बिहार में भी काफी हलचल देखने को मिली है, एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में आ चुके हैं, उसके बाद काफी हलचल देखने को मिली है। और बिहार को लेकर जो आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं तो उसकी तैयारी भी की जा रही है, तो बिहार में जिसका से तेजस्वी यादव जिसका से भर्ती हुए अब नए नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आरजेडी का बेड़ा गर्व कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होना है। तो बिहार की 40 सीटों में से कांग्रेस का 0 से 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 15 से 17 सीट तक 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 17 में से 17 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिल सकते हैं। लेकिन जेडीयू को नुकसान दिखाई दे रहा है, जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 0 से 8 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया है कि जेडीयू जो पार्टी है वो 5 सीटों पर सिमटने जा रही है, अगर 5 सीटों से ज्यादा सीटें हासिल करती है तो वो ऑन कैमरा माफी मांगने को भी तैयार है। इस तरह से माना जा रहा है कि जेडीयू पार्टी का जो बूस्टर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है और उसका फायदा आरजेडी को भी मिल रहा है। आरजेडी से तेजस्वी यादव यहाँ पर 0 से 6 सीट पर भारी नजर आ रहा है, एलजेपी और एनडीए को 5 सीटों का अनुमान बिहार में सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर बिहार में देता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा सीट पर भी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर नकुलनाथ विशेष बंटी साहू के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि कई ऐसी सीटें भी हैं जो विधानसभा चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था, उस तर्ज पर कांग्रेस ये दावा करे कि 0 से 5 सीट तक उनका आंकड़ा पहुंच सकता है, जो सर्वे के आंकड़े हैं। लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर कई सीटों पर देखने को मिल सकते हैं। भाई महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से कांग्रेस यहाँ पर अपने दम पर 0 से 2 लोकसभा सीट पर भारी नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को करीब 25 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर बात किया उद्धव ठाकरे, शरद पवार और यूपी के लिए 11 सीटें और एनसीपी एनडीए को 4 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन हाल ही में जो लेटेस्ट सर्वे लोकपोल ने जारी किया है उसमें सीधे तौर पर माना जा रहा है कि करीब 25 से 30 सीटों पर एनडीए, तो बाकी सीटें जो 18 सीटें हैं यानी 15 से 18 सीट या 20 सीट तक इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है।
यानी महाराष्ट्र में पैच फंसा हुआ है और महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि इस बार यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी काफी हलचल हुई है और यहाँ पर जो है उद्धव गुट की जो पार्टी थी यहाँ पर शिवसेना, वो दो धर्म बढ़ गई, एक सिंधे गुट एक उद्धव गुट, असली शिवसेना सिंधे गुट को माना गया, जबकि एनसीबी इसी तरह से दो धर्म बढ़ गई, एक अजीत गुट एक यहाँ पर शरद पवार में। तो इसका क्या जनता जवाब देगी है? तो जनता ही तय करने जा रही है। राजस्थान की 25 सीटों में से 25 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का 15 भारी है, लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे निकल कर सामने आ रहा उसमें माना जा रहा है कि 5 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर कांटे की टक्कर इस बार राजस्थान के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। फिलहाल 15 भारतीय जनता पार्टी का 15 भारी है, लेकिन अंत में जो जनता फैसला लेगी उस हिसाब से लोकसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट, एनपीपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 0 सीट की संभावना, हिमाचल की 4 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का 15 भारी है, लेकिन 102 सीटें ऐसी भी हैं जहां सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस का 0 से 3 सीट पर 15 भारी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी 0 से 7 लोकसभा सीटों पर भारी नजर आ रही है जो लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट पर 1 सीट, कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है जो अनुमान सामने आ रहा है। उड़ीसा की 21 में से भारतीय जनता पार्टी को 10 तो बीजू जनता दल को 11 लोकसभा सीट का 15 भारी नजर आ रहा है। असम की 14 सीटों में से कांग्रेस को 2 तो भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें हैं, 1 सीट पर यहाँ पर एजीपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का 15 भारी है, लेकिन 1 सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरिद्वार सीट पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर कांग्रेस लेती नजर आ रही है। सिक्किम की 1 सीट पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर SKM पार्टी के पक्ष में जा सकती है। लद्दाख की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जबकि TDP को यहाँ पर 13 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें कि TDP और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है तो करीब 15 से 17 सीट तक आंध्र प्रदेश में NDA पहुंच सकता है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बात की जाए तो 0 सीट मिल रही है और UPA के पक्ष में यहाँ पर 8 सीटें यानी भाजपा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 8 सीटें मिल सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जा रही हैं और हार और जीत के बीच महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। यहाँ मगर बात किया कांग्रेस 0 से 1 सीट पर 15 भारी नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें, जबकि RLD आने के पक्ष में 2 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। सीधे तौर पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी करीब 70 सीट उत्तर प्रदेश में हासिल कर सकती है जो 15 उनका भारी नजर आ रहा है, लेकिन 6 से 10 सीट तक ऐसी हैं जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन बना है उनके पक्ष में भी जा सकती है, लेकिन जनता तय करने जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए क्या माहौल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम बहुल इलाके सीटें जो है वो निर्णायक मानी जाती है, वो वोट शेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा वो महत्वपूर्ण होता है कि 70 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी या नहीं। इसको लेकर बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट महत्वपूर्ण दिखाने जा रहे हैं। त्रिपुरा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकता है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है, लेकिन जो सट्टा बाजार का अनुमान है और जो लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े हैं इस तरह का जो अनुमान है जो यहां पर जो बात की जा रही कि 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से हासिल कर रही है, यानी जो बहुमत का आंकड़ा 272 है उसको भारतीय जनता पार्टी जो है आंकड़ों के हिसाब से पार करती नजर आ रही है, जो आसानी से आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हासिल करेगी वो फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। 330 से लेकर 335 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत करनी होगी, संघर्ष यहां दिखाई दे रहा है, और 350 सीटें ऐसी हैं जो यहां पर बात की जाए तो काफी मुश्किल आंकड़ा नजर आ रहा है, लेकिन जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो 300 सीटें हैं, यानी 300 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में यानी NDA यहाँ पर पहुंचता नजर आ रहा है। वही कांग्रेस के लेकर बात की, कांग्रेस के लिए 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो काफी मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन जो आंकड़ा उनके पक्ष में नजर आ रहा है वो 154 सीटों के आसपास दिखाई दे रहे हैं, 150 सीटों के आसपास इनके गठबंधन लोकसभा चुनाव में पहुंच सकता है जो अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो आंकड़े पहुंच सकते हैं इस तरह का जो अनुमान सामने आ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जनता तैयार हो चुकी है और जनता अब किसके पक्ष में जाएगी, क्या जो बड़े मुद्दे चुनावी मैदान में गूंज रहे हैं इन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी, या फिर जो कहीं ना कहीं काम किए गए हैं जिस कार की यहाँ पर रणनीति बनाई गई है उस रणनीति के तहत है क्या जनता को वो अपने पक्ष में ला पाएंगे, ये तो जनता तय करने जा रही है। तो 4 जून 400 पार या जो महागठबंधन बना है वो वापसी करने जा रहा है तो अन्य का क्या यहाँ रोल हो सकता है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं? मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय भारत।